जाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रयागराज से नाव के जरिए गंगा जमुनी तहजीब यात्रा की शुरुआत की। चुनाव प्रचार के लिए निकली प्रियंका आम लोगों से मुलाकात कर अपनी बात उनके सामने रख रही हैं। उनके इस सफर का समापन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा। आपको बता दें कि प्रियंका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आधार को मजबूत करने और लोकसभा चुनावों में अच्छे नतीजे की कोशिश में जुटी हुई हैं। इस यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रियंका के प्रयागराज से वाराणसी नदी मार्ग द्वारा मोटरबोट से सफर करने की अनुमति मांगी थी। प्रियंका की इस तहजीब यात्रा के दौरान एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है। प्रियंका जब प्रयागराज से वाराणसी के सफर के लिए निकली तो वो एक नाव में सवार थी। इस दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें लोग प्रियंका जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और साथ ही प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी की भी जय जयकार कर रहे हैं। प्रियंका जनता की इस प्रतिक्रिया से इतनी उत्साहित हो गई कि बिना माइक नदी से दूर किनारे खड़े लोगों से पूछने लगी कि आप लोगों को कि उन लोगों ने इतनी दूर से प्रियंका गांधी को पहचान कैसे लिया। इतनी दूर से कैसे पहचाना, इतनी दूर से कैसे पहचाना। हालांकि बाद में प्रियंका की टीम की तरफ से उन्हें माइक दिया गया, जिसके बाद प्रियंका ने लोगों को धन्यवाद दिया। इस यात्रा के पहले उन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि वो इसलिए घर से बाहर निकली हैं क्योंकि देश संकट में है। लोगों ने कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, लेकिन अब जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि देश जनता का है और जनता को ही इसकी हिफाजत करनी है। 45 सालों में रोजगार की इतनी कमजोर स्थिति कभी नहीं हुई। एराज अहमद, खबर 84।